Good evening student. I am Chand Prakash, You can call me CP sir and I am here to discuss previous year JE advanced questions with you on the digital platform of CLC Seeker, which is CLC Live.in. Today we are going to discuss integral calculus problems which appear in previous year of JE. So let me start with question number one. पहला क्वेश्चन देखिए ऐसा है कुछ माइनस पावे प्लस इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे uh, बाय और क्या होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट मीनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर एक्स दिस फंक्शन एज इट इज प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होता है ना तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं एक्स स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर कॉस माइनस एक्स भी कॉस एक्स ही होता है तो ये भी कॉस एक्स और वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अगर इन दोनों को हम एड करें देखिए तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो कॉमन आ जाएगा करेक्ट और वन अपॉन वन प्लस ई पावर एक्स और वन प्लस वन अपॉन ई पावर माइनस एक्स ये दोनों एड होके क्या बन जाएगा वन यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा वन इंटू एक्स स्क्स एक्स डी एक्स नाउ अब कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इसको हमें फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा और इसको सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का शॉर्ट ट्रिक में अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली वैसे दो बार आईबीपी लगाना पड़ेगा बट आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कैसे देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाना है साइन एक्स करेक्ट फिर माइनस इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विच इज टू एक्स और इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन विच इज माइनस ऑफ कॉस एक्स देन प्लस इस टू का डिफरेंशिएशन विच इज टू राइट और इस माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विच इज माइनस ऑफ साइन एक्स और लिमिट हमको रखनी है जीरो से पाई बाई टू इसके अंदर तो देखिए कितना मिलेगा तो अगर आप पाई बाई टू पुट करते हैं तो कॉस पाई बाई टू जीरो होता है करेक्ट तो ये टर्म जीरो हो जाएगी ये टर्म मिलेगी आपको कितना पाई बाई टू का स्क्वायर करोगे दैट इज पाई स्क्वायर बाई फोर साइन पाई बाई टू, वन हो जाएगा दिस विल बिकम जीरो ये हो गया टू करेक्ट और जब एक्स का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो होता है एक्स की वजह से जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो जीरो नेक्स्ट तो क्वेश्चन so right तो पे चलते हैं हम लोग ओके okay, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये एडवांस टू थाउजेंड सिक्सटीन से ही है और एरिया कैलकुलेट करना हमें बाउंडेड बाय दिस रीजन अब यहां गौर कीजिएगा ये ग्राफ को प्लॉट करने के लिए और थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए तो हम क्या कर रहे हैं हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन को ओरिजिन शिफ्टिंग से एरिया तो चेंज होता नहीं है राइट केवल इक्वेशन चेंज होगी तो शिफ्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर रहे हैं माइनस थ्री कॉमा जीरो पे तो शिफ्ट ओरिजिन तो एट माइनस थ्री कॉमा जीरो तो ऐसा शिफ्ट करने के लिए आपको इसमें x को रिप्लेस कर देना है x माइनस थ्री से और जैसे आप इसको रिप्लेस करोगे देखिए नई इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी y ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड x राइट right? और ये जो सेकंड है ये बन जाएगा फाइव वाई लेस देन और इक्वल टू x प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन तो इनसे बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना है आइए ग्राफ बना के देखते हैं कौन सा एरिया निकालना है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसका एक्सिस मतलब तो जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ बनेगा वैसा ही राइट right में बनेगा तो मैं इस तरफ के ग्राफ की बात करता हूं पहले तो इधर जो है ये एक्स पॉजिटिव है तो मोड हटा लिया है मैंने राइट इसका ग्राफ कैसे देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा यानी ये पैराबोला पैराबोला होगा ऐसे हाफ ही लेंगे हम है है ना इस वाले पार्ट पे नेगेटिव होता है, तो वो नहीं लेंगे वाई इक्वल टू रूट एक्स आपको ऐसा दिखाई देगा अब इसी की रिफ्लेक्शन ले लेते ले हैं हम इधर राइट तो ये वाला पार्ट है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स और ये दोनों मिला के ग्राफ हो गया इसका अब बारी यहां पे ये तो देखिए स्ट्रेट लाइन है करेक्ट तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे जो हमें पता लगाना है तो यहां देखिएगा क्या ये स्ट्रेट लाइन इसको कट करेगी तो देखिए अगर मैं एक्स का वैल्यू लेता हूं यहां ध्यान दीजिए अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं यहां फाइव है ना माइनस लेता हूं सोचे इफ आई पुट एक्स इक्वल टू माइनस हियर तो मुझे यहां से वाई का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस और वाई का वैल्यू माइनस वन लेने पे प्लस वन यहाँ से भी मिल रहा है तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है माइनस वन वन जो कि इस लाइन पे भी है कट करेगी यहाँ पे तो बिल्कुल करेगी देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अब वहां से वाईक्वल टू तो रूट एक्स से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो देखिए इफ इफ वी पुट x सॉरी वाई इज इक्वल टू टेन बाई फाइव यानी टू और वहां से भी एक्स का वैल्यू फोर डालने पे टू आ रहा है तो इसका मतलब इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है बीस सी बात नाइन से छोटा तो तो ही एक्स का वैल्यू ओके इस इनइक्वालिटी का मतलब हमें लाइन के नीचे वाला पार्ट चाहिए हम एरिया लेंगे जो लाइन के नीचे है और यहाँ पे ग्रेटर देन है वाई तो y अंडर अंडर रूट ऑफ मोड x से बड़ा होना चाहिए तो अंडर रूट ऑफ मोड x के ऊपर वाला पार्ट लेंगे यानी इस कर्व के ऊपर वाला पार्ट तो देखिए ये कॉमन एरिया है जो अपने को यहाँ कैलकुलेट करना है ओके ये पॉइंट जो अपना ये 0 0 ले, ले लेते हैं अब बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है आगे तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सो द रिक्वायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया इज देखिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अपर कर माइनस लोअर कर वाला फंडा लगाएंगे अपर कर देखिए पूरे एरिया में यहां से यहां तक ये यह लाइन ही है राइट इस लाइन की इक्वेशन क्या है भाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स बाई फाइव तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स प्लस सिक्स बाई फाइव को कहां से कहां तक जब एक्स का वैल्यू है माइनस वन से लेके प्लस

बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन है तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आइए कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखिए वन बाई फाइव में कॉमन ले लेता हूं एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्स से फोर माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट का करेंगे तो आएगा टू बाई थ्री और माइनस एक्स टू दावर थ्री बाई टू और फिर माइनस एक्स है तो एक माइनस साइन भी आ जाएगा और इसमें हमें लिमिट पुट करनी है माइनस वन से जीरो माइनस मल्टीप्लाई हो गया है और ये हो गया टू बाई थ्री और एक्स टू पावर थ्री बाई टू फ्रॉम जीरो टू फोर ओके अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट करें देखिए आपको कितना मिलेगा वन बाई फाइव है और ये टू है तो देखते हैं क्या होता है ये टू अपनी जगह है ही यहाँ बनेगा देखिए ऊपर सिक्सटीन और माइनस वन डालोगे तो वन सब्रैक्ट करोगे तो फिफ्टीन प्लस सिमिलरली फोर माइनस वन फाइव हो जाएगा सिक्स इंटू फाइव यानी ये हो गया थर्टी माइनस यहां आते हैं जीरो पुट करने पे जीरो बन जाना है ये और माइनस वन डालोगे तो ये बन जाएगा फाइनली टू बाई थ्री ओके सिमिलरली माइनस यहां अगर आप फोर पुट करेंगे देखिए टू बाई थ्री को तो कॉमन ले लेते हैं फोर फोर पुट करोगे पावर थ्री बाई टू विच इज एट तो मल्टीप्लाई विद एट तो देखते हैं कितना हो गया ये तो ये हो गया दोस्तों देखो थ्री बाई टू प्लस सिक्स माइनस टू बाई थ्री और माइनस सिक्सटीन बाई तो कुल मिला के ये हो गया एटीन बाय थ्री विच इज सिक्स तो ये कैंसिल आउट हो गए थ्री बाय टू बचा सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्री बाय टू तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना सी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये है क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है सोल्यूशन सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पासिस थ्रू द पॉइंट वन कॉम आ थ्री देन कर्व ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन करो निकालेंगे हम फिर उसका इंटरसेक्शन देखेंगे इनके साथ तो चलिए शुरू करते हैं यहां देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका ऑब्जर्वेशन एक्स स्क्स और 4, इनको मिला के अपन क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस टू होल स्क्वायर करेक्ट और देखिए ये जो दो टर्म बच गई एक्स वाई और टू वाई इसमें से अगर वाई कॉमन ले ले हम तो ये क्या बचेगा एक्स प्लस टू और साथ में है भाई डीवाई वाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो ऐसा लिख देते हैं अब इसको थोड़ा बनाने के लिए, एक बार फिर से ओरिजिन शिफ्टिंग हम यहाँ काम में ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं एक्स प्लस टू को रिप्लेस कर रहे हैं किसे? x एक्स तो ये पुट कर देते हैं देखिए यानी आगे जब मैं x लिखूंगा तो उसका मतलब x प्लस टू होगा लास्ट में वापस से इसको रिप्लेस करेंगे चले आगे तो ऐसा रिप्लेस करने से ये इक्वेशन आपको ऐसे दिखाई देगी ये एक्स प्लस टू का स्क्वायर ये तो क्या बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स ओके ये स्मॉल एक्स ही लिख रहा हूं मैं ध्यान रहे यह रहे कि हमने ये सब्सिट्यूशन यहाँ किया हुआ है और ऐसा करने से डीवाई बाई डी एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लीनियर सब्सटीट्यूशन है जिसमें एक्स का कोक्शन वन ही है तो यहाँ आएगा डीवाई वाई डीएक्स और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ये हो गई देखिए ये सेकेंड डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन बन गई हमारे पास तो आप y v x पुट करके भी सिंपलीफाई कर सकते हैं और सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है तो देखिए कैसे सिंपलीफाई कर रहे हैं हम इसको इस dy को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx को इसके साथ ऐसे लिख दूं मैं x² dy yx dy y² dx 0 ओके अब भी आप लोगों को पता होगा देखिए ये पैटर्न को अगर आप पहचाने इसमें से अगर मैं वाई कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा तो अगर हम इसमें से देखिए वाई कॉमन लेते हैं तो ये टर्म बनेगी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स पहचान गए इस टर्म को ये सिंप्लीफाई हो इसके लिए जरूरी है कि इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो तो मैं यहां इसको एक्स स्क्वायर दे देता हूं और वो एक्स स्क्वायर हम कहां से दे देंगे उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा इसके नीचे आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ जो वाई कॉमन आया था तो उसको वाई से भी डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन इस पैटर्न में आ जाएगी हमारे पास राइट और अब हम इसको ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो इसको देख के भी बता सकते हैं क्या सॉल्यूशन होगा तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं देखो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें सिंपली तो आप बता सकते हैं क्या आएगा है आपके पास डीवाई अपॉन वाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग वाई तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ वाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया पहचान सामने एक कांस्टेंट ले लेते हैं c. C का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि ये कहां से पास होता है इट पास थ्रू द पॉइंट वन कॉमा थ्री तो आप इसमें पुट कर दो तो देखिए क्या है? यहां आएगा लॉग थ्री अच्छा रुकिए अभी इससे पहले अपने को एक जरूरी काम जो करना है वो क्या है x की जगह वापस से रिप्लेस करके x प्लस टू लिखना है अपने को आपको याद होगा हम लोगों ने जो x प्लस टू लिखा था रिप्लेस किया था x की जगह तो इसको वापस से अब हम रिप्लेस कर देते हैं और ये बन जाएगा log ऑफ y प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सी और अब इसमें पुट करो वन कॉमा थ्री ये पास होता है वन कॉमा थ्री से तो इक्वेशन बनेगी लॉग वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू देखो सी का वैल्यू क्या आएगा सी के बराबर हो जाएगा वाई की जगह थ्री डालोगे लॉग थ्री और प्लस थ्री अपॉन वन प्लस टू दैट इज वन फाइनली तो ये है इस कर्व की इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है अब हम देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या क्या चेक करना है देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, exactly है exactly इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता करने कितने होंगे फिर एक्स प्लस टू स्क्वायर से पता करने और फिर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर से पता करना है आइए देखते हैं सबसे पहले तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू के साथ देखता हूं कि कितने पॉइंट बनेंगे अब क्या करो सिंपली इसमें वाई की जगह एक्स प्लस टू डाल के देखो कि एक्स की कितनी वैल्यू मिलती है तो आपको ऐसे मिलेगा दोस्तों लॉग ऑफ एक्स प्लस टू और प्लस वन इज इक्वल टू लॉग थ्री प्लस वन ये देखो कैंसिल आउट हो गए एंड एक्स इक्वल सो ओनली वन सॉल्यूशन तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट इनका होगा अब आता है दूसरे मतलब पहला दूसरा तो क्लियर हो गया थर्ड ऑप्शन क्या वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू स्क्वायर तो वो देखो पुट करते हैं इसमें तो ऐसे बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस टू स्क्वायर राइट और यहां बन जाएगा प्लस एक्स प्लस टू और ये इक्वल टू log थ्री है और वन इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं माइनस लॉग थ्री माइनस वन अब देखिए ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहां इस क्वेश्चन में आपको याद होगा हमें गिवन है थ्री तो तो ये, तो ये जो टर्म है ये अगर बढ़ा लेते हो तो ये टर्म हमेशा वन से बड़ी होगी तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव होगी तो दो पॉजिटिव टर्म का सम जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा नो सॉल्यूशन एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू के स्क्वायर को और इस इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री स्क्वायर अगर आप पुट कर देते हैं तो बिल्कुल सारे लॉजिक यही होंगे देखो एक्स प्लस टू से बड़ा होता है एक्स प्लस थ्री तो फिर से यहाँ पे एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर होगा तो लॉग नाइन से बड़ा होगा

इंटरसेक्ट दिस ये गलत हो गया डॉट इंटरसेक्ट दिस हो गया तो एंड डी आर द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके लेट फ्रॉम टू बी डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट अगेन एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है बट इस बार थोड़ी आसान सी लग रही है देखिए तो चलिए शुरू कर देते हैं सीधे ही तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं देखो एफ डैश एक्स को ना डीवाई बाई डी एक्स लिख देता हूं समझने में सुविधा होगी आपको और एफ एक्स को लिख देंगे हम वाई तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टू करेक्ट इक्वेशन है तो आप उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो बाकी इसको तो देखो बाय ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डीएक्स इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स करेक्ट और अब देखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा क्या इंटीग्रेशन होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का दैट इज एक्स वाई टू एक्स का हो जाना है दोस्तों एक्स और साथ में कॉन्स्टेंट सी आ गया कॉन्स्टेंट सी के बारे में हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमें सिर्फ इतना है कि एफ ऑफ वन वन नहीं होगा तो अगर मैं इसको यूज करूं कि एक्स और वाई दोनों जब एक्स का वैल्यू वन होगा तो वाई का वैल्यू वन नहीं होगा तो उससे देखते हैं कोई फायदा होता है क्या अगर मैं एक्स को वन रख लेता हूं तो मुझे वाई इक्वल टू वन प्लस सी मिला मतलब मुझे सिंपली इतना पता लगा कि सी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि अगर आप सी को जीरो ले लोगे तो X equal to 1 डालने y का वैल्यू आएगा तो चलिए सी जीरो नहीं है ओके तो यहां से अब अगर हम देखते हैं तो अपना फंक्शन एफ एक्स तो क्या हो गया एफ एक्स हो गया भाई डिवाइड कीजिए एक्स प्लस सी वाई एक्स और एफ डैश एक्स जरूरत पड़ेगी ऑप्शन चेक करने में तो यहाँ से अगर हम F -X तो वो हो गया ऑप्शन अगर आप एफ डैश वन बाई एक्स निकालेंगे F -1 by X, तो वो कितना आएगा वन माइनस सी एक्स स्क्वायर और अब अगर आप इसमें लगा देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो

तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया है लास्ट ऑप्शन पे आते मॉड एफ एक्स का वैल्यू हमेशा दो या दो से कम होगा मोड एफ एक्स एफ एक्स ये रहा देखो दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा टू टू इट विल आइदर प्लस और माइनस इंफिनिटी आया ना डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ सी तो ये इनफाइनाइटली लार्ज हो सकता है जीरो से टू इंटरवल हम लेंगे तो जैसे जैसे हम जीरो के क्लोज जाएंगे एज एक्स टेंस टू जीरो जैसे जैसे जीरो के क्लोज जाएंगे ये टर्म लार्ज हो जाएगी। तो ये टू से छोटा हो, इसका ये नहीं है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन so right okay, से नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दीजिए लिमिट है बहुत सी टर्म का ओके okay. तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो ये है आई होप आप सबको पता होगा कि वन बाई एन मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ आर बाई एन सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू एन एंड लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ये जो सम ऑफ सीरीज है और उसकी लिमिट है ये किसके इक्वल होती है दैट इज इक्वल टू जीरो टू वन एफ टी डी टी करेक्ट तो ये कॉन्सेप्ट करने वाले आइए देखिए कैसे अच्छा अब यहां समझिएगा देखिए ना मैं इसको दोबारा लिखने से बचते हुए आगे बढ़ता हूं तो एफ ऑफ एक्स बराबर है मेरे पास फिलहाल लिमिट टू के इनटू ओके अब यहां जो अंदर है ब्रैकेट में उस पर गौर करते हैं क्या है ओके ये चीज मैं अब यहां से थोड़ा मिटा देता हूं इसको चलिए रहने दीजिए कॉन्सेप्ट आप भी याद रखेगा। इस टर्म को बड़े ध्यान से देखिएगा ना अगर मैं इसको इन uh, शॉर्ट लिखना चाहूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये एन टू द पावर एन है ही ये क्या है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट का साइन एक्स प्लस एन बाई आर वेर आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू एन सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है एन फैक्टर एन फैक्टोरियल और कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वेर आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू एन तो ये टर्म है बेसिकली पावर में है ब्रैकेट में एक्स बाई एन करेक्ट चलिए अब हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं ये जो है अब यहां ध्यान से देखिए ना मैं यहां से आर बाई एन को बाहर निकाल रहा हूं तो बाहर देखिए क्या क्या मिलेगा मुझे लिमिट एन टेंस टू तो इंफिनिटी राइट यहां पहले से है एन एन पावर एन देखिएगा अब होगा क्या क्योंकि ये देखिए ये प्रोडक्ट कंटिन्यूस राइट तो जब आप एन बाई आर बाहर निकालेंगे तो पहली बात तो प्रोडक्ट में बचेगा क्या प्रोडक्ट में बच जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द टर्म

यानी कि वो बन जाएगा एन फैक्टोरियल यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम चीज है ये और ये तो ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गई अब आते हैं यहां नीचे आर का वैल्यू वन टू एन यहां से भी एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन और बाहर क्या मिलेगा बाहर एन स्क्वायर कॉमन लिया है आपने टोटल एन टर्म है तो बाहर आपको मिलेगा एन स्क्वायर की पावर एन करेक्ट और और क्या मिलेगा डिवीजन में देखिए आपने आर स्क्वायर को कॉमन लिया है और हर टर्म में से कॉमन लिया है तो फर्स्ट टर्म में से वन स्क्वायर दूसरी में से टू स्क्वायर तीसरी में से थ्री स्क्वायर एंड सोन ये सब कॉमन आए तो वो कॉमन आने के बाद डिनोमिनेटर में क्या बचेगा एन फैक्टोरियल स्क्वायर करेक्ट ओके मैंने यहां जो एन स्क्वायर की पावर एन है इसको ऐसे लिख सकते एन पावर एन और उसका स्क्वायर करेक्ट और नीचे जो है वो है एन फैक्टोरियल का स्क्वायर अब इसका बेनिफिट ये है देखो ये दोनों टर्म मिलके क्या बनेगी इसका स्क्वायर और ये टर्म और ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी ऐसे और अब यहाँ पावर में है है और ये सब वैल्यू दोस्तों एफ एक्स की तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो सम चाहिए ये प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे इसको लॉग ले, ले लेते हैं दोनों साइड सो वी कैन राइट लॉग ऑफ एफ एक्स क्वल टू ध्यान से समझिएगा लॉग लेंगे ये टर्म तो आ जाएगी इधर बाहर है ना तो इसमें से मैं एक्स को यहीं छोड़ देता हूं और लिमिट एन टेंस टू एंड लॉग ऑफ दिस राइट तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी तो माइनस और सुनिएगा अब ये क्या है प्रोडक्ट है है ना कंटिन्यूस प्रोडक्ट है लॉग लेने पे ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा सम में यानी हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा आर का वैल्यू वन से एन तक लॉग ऑफ आर बाई एन एक्स प्लस वन माइनस सिमिलरली ये बन जाएगा सिग्मा आर का वैल्यू वन से एन लॉग ऑफ आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस वन ओके एंड नाउ वी यूज द फॉर्मूला जो हम आपने उसको स्टार्टिंग में बताए थे और ये बनेगा देखिए अब ये लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो सिग्मा पे लिमिट लगी हुई है पूरी ये ये देखिए किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी ये जो टर्म है, वन बाई एन सिग्मा आर बाई एन ये सब फॉर्मूला ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन ओके किसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ आर बाई एन को रिप्लेस कर दो टी से टी एक्स प्लस वन ओके और डी टी सॉरी माइनस ये वन बाई एन करके लिमिट यहां लगाओगे जब आप मल्टीप्लाई करके इसको तो ये बनेगा जीरो मल्टीप्लीकेशन में ये एक्स है ही अब यहां थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं कि लेट वी पुट टीएक् टू यू टी एक्स को हम यू लिख देते हैं तो भैया डी टी एक्स इंटू डी टी बनेगा डी यू तो ये एक्स है मल्टीप्लाई होगा दोनों डी से, और ये अब आपको ऐसे दिखाई देगा देखो, दोनों को भी मैं एक ही इंटीग्रेशन में लिख लेता हूं यहाँ ऑफ यू प्लस लॉग ऑफ u स्क्वायर प्लस वन इंटू डी du. लिमिट क्या होगा इसकी जीरो पुट करोगे t की जगह जीरो आएगा t की जगह वन पुट करोगे तो u का वैल्यू हो गया x. तो ये है दोस्तों log एफ एक्स का वैल्यू ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये और जई एडवांस में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये यहां तक की बात हो गई है इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत हमें है या नहीं है वो देखते हैं ऑप्शन क्या आते हैं हमारे पास क्या चीजें हमें चेक करनी है उस पर बात करते हैं तो एक बार फिर से हम अपन ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन थे और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे देखो तो ऑप्शन में आप देखिए एफ डैश एफ डैश जगह जगह है है ना तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा तो जो टर्म आई है हमारे पास हम उसको डिफरेंशियट करते हैं और एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करते हैं देखिए यहां से और फिर उससे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो अगर मैं इसको डिफरेंशियट करूं अभी डिफरेंशियट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू सामने इसको डिफरेंशिएट करोगे इंटीग्रेशन का साइन है लेबनीज रूल लगाओगे तो आएगा लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस यानी कि लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और आप चाहें तो इसको मिला के लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन लेट दिस इज रिजल्ट नंबर टू तो अपना डी ऑप्शन तो हम यहीं से चेक कर लेंगे राइट क्या है देखो डी ऑप्शन तो चलिए अब हम ऑप्शन वाइज बात कर लेते हैं एक एक ऑप्शन पे राइट ये रहा तो एफ डैश थ्री एफ डैश थ्री अपॉन एफ ऑफ थ्री तो जैसा अपने पास फंक्शन की वैल्यू आई थी इसकी क्या थी लॉग ऑफ एक्स प्लस वन यानी फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी नाइन तो ये ये हो गया और एफ डैश टू अपॉन एफ ऑफ टू ये हो जाएगा लॉग ऑफ टू प्लस वन यानी कि थ्री और टू थ्री बाई फाइव दोस्तों ये हो गया लॉग थ्री बाई फाइव और ये है लॉग फोर बाई नाइन तो फोर बाय नाइन और थ्री बाई फाइव में से कौन बड़ा होता है ये बड़ा होता है भाई थ्री बाय फाइव तो थ्री बाय फाइव बड़ा है तो उसका लॉग भी बड़ा होगा यानी कि यह ऑप्शन अपना गलत हो गया सो डी इज नॉट द राइट आंसर अब है एफ डैश टू निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा फिर से मैं आपको याद दिलाऊं एफ डैश एक्स बराबर अपने पास आया था एफ एक्स मल्टीप्लाई विद लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये था देखो करेक्ट सिंप्लीफाई करने पे। अब यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए गौर से देखिए जितनी भी टर्म गिवन ये सब पॉजिटिव टर्म है पावर भी पॉजिटिव है तो एफेक्ट पक्का पॉजिटिव ही होगा तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है राइट right? इसका साइन डिपेंड करता है totally टोटली इस टर्म पे अब ये टर्म देखो ये टर्म जीरो कब बनेगी तो लॉक कब जीरो बनता है जब उसके अंदर वन बने और ये वन कब बनेगा देखिए जब ये टर्म और ये टर्म बराबर हो जाए दोनों की दोनों तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेम होंगे तो आपका आंसर है एक्स इक्वल टू वन के लिए तो वन पे ये जीरो हो जाएगा वन के आगे अगर आप जाएंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा देखिए यानी कि ये टर्म वन से छोटी हो जाएगी तो लॉक की वैल्यू आएगी नेगेटिव और इसके पहले आएगी पॉजिटिव तो इससे अपने को पता चल गया कि सी ऑप्शन एकदम सही है एफडेस टू नेगेटिव होगा अब ए और बी का भी पता चल जाना देखो ए और बी में फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो वन या वन से कम है वन से पहले डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव है यानी फंक्शन जो है वो कैसा होगा इंक्रीजिंग तो वो बड़े इनपुट पे बड़ी वैल्यू देगा छोटे इनपुट पे छोटी वैल्यू देगा यानी एफ ऑफ वन बाई थ्री पक्का छोटा होगा एफ ऑफ टू बाई थ्री से बट एफ ऑफ हाफ बड़ा नहीं होगा एफ ऑफ वन से तो राइट right ऑप्शन जो है इसके वो है बी और सी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं

और प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड लेट आई कॉल दिस एफ एक्स मान लेते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ अब देखिए मुझे पता करने कितने रूट होंगे तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ पहले कि एफ ऑफ जीरो कितना है तो वो देखिए कितना आएगा ये जीरो हो जाएगा जीरो टू जीरो और ये जीरो हो गया तो वन आ गया तो एफ ऑफ राइट अब हम एफ ऑफ वन अगर कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा देखिए जीरो पावर फोर डी टी और वन डालेंगे तो ये हो गया माइनस वन माइनस टू और प्लस वन मिला के कितना हो गया माइनस वन ओके जी ये टी स्क्वायर इस पर विचार करते हैं देखिए थोड़ा सा इस टाइम को ध्यान से देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ट right? मैंने टी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले गया ऐसे डिवाइड कर दिया और ऐसे लिख लिया अब मैंने ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि आपको पता होगा कोई भी टर्म और उसके रेसीप्रोकल का जो सम है किसी भी रियल नंबर उसके का सम हमेशा टू या टू से बड़ा होता है अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर हमेशा टू से लेके इंफिनिटी के बीच में होगा राइट right? तो इसका जो रेसी प्रोकल है वो कैसा हो गया हमेशा दैट इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन जीरो एंड हाफ ये ज्यादा से ज्यादा ना हाफ हो सकता है जब टी का वैल्यू वन हो जाएगा तब तो हाफ होगा हमारे पास तो टी का वैल्यू वन भी नहीं होना ना जीरो से वन के बीच में रख रहे हैं हम तो ओके तो भी चलिए इस पे क्लोज इंटरवल भी मान ले अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं है वापस यहाँ आ जाओ तो ये जो टर्म है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है हाफ तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा जीरो टू वन टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस ये पक्का छोटा होगा किससे इंटीग्रेशन ऑफ हाफ

एफ डैश एक्स निकाले तो आएगा एक्स स्क्स एक्स पावर फोर और माइनस टू और ये फिर से वैसी टर्म है ना इस टर्म की वैल्यू कहां से कहां तक तो होती है जीरो से हाफ के बीच में तो ये जीरो से हाफ के बीच में है माइनस टू करोगे तो ये टर्म पक्का नेगेटिव है तो इस पूरे इंटरवल में जीरो से वन के बीच में ये नेगेटिव है नेगेटिव फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन ओके तो दोस्तों इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया यानी कि वन वन फंक्शन हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है फंक्शन है, जीरो पे पॉजिटिव है और वन पे नेगेटिव है तो डेफिनेटली जीरो और वन के बीच में एक्जैक्टली exactly एक पॉइंट पे एफेक्ट्स का वैल्यू जीरो होगा यानी इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन ऑफ किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो कितने तो है okay? तो okay? अब ये जो डिफरेंशियल ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए आइए इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं देखो तो dy वाई बाई डी एक्स इज है ना ध्यान दीजिएगा इस टर्म को पहले इस टर्म को लिख लिया वन अपॉन अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट नाइन प्लस अंडर रूट एक्स ओके ये दोनों टर्म उधर डिनोमिनेटर में चला गया अंडर रूट नाइन प्लस अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स और एट ओके okay? इस एट को चलिए खैर एट ही रहने दीजिए अब यहाँ सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही आप इसको क्लिक कर सकते हैं देखिए अगर आप इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं मैं आपसे कहूँ कि डिफ्रेंशिएट करो अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट ऑफ नाइन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स को तो क्या आएगा देखो इसका डिफ्रेंशिएशन हाँ जी इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वन बाई टू रूट ऑफ दिस करेक्ट फिर इस अंदर वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फोर का तो जीरो हो जाना और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा वन अपॉन टू रूट नाइन प्लस रूट एक्स फिर नाइन प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन बाय टू रूट एक्स तो वो टू 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 तीन टाइम मल्टीप्लाई हो गया एट हो गया तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ओके okay? तो इसलिए अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपको वाई बराबर मिलेगा अंडर रूट ऑफ फोर प्लस अंडर रूट ऑफ नाइन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स

ये टर्म भी खत्म तो ये फंक्शन आया 256 पे वैल्यू निकालनी है तो एक्स का वैल्यू 256 सॉरी 256 आप यहां पुट कर दीजिए वाई का वैल्यू देखो क्या आएगा 256 का अंडर का करोगे 16 16 और नौ पच्चीस पांच और चार नो थ्री तो है ऑप्शन में थ्री बिल्कुल तो सी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किया था, कुछ -कुछ वैसा ही है। हमें देखना है, जीरो से वन में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके रूट हो सकते हैं जिसकी वैल्यू जीरो हो सकती है क्या ये जीरो से वन में जीरो हो सकता है आइए चेक करते हैं एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं लेकिन उससे पहले खास बात है ये एक तो एफ कैसा फंक्शन है कंटिन्यूस एफ की रेंज क्या है जीरो से वन यानी एफ एकस, एफ के अंदर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में ही होगी ओके तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पहले फंक्शन की बात करता हूं मैं तो देखिए ऑब्जर्वेशन ही चीजें नजर आ जाएगी अगर आप ध्यान दें इस पे देखिएगा अगर इस फंक्शन को हम देखते हैं तो आप पाओगे कि एफ एक्स में कुछ एड किया जा रहा है ना ये टर्म इसमें एड हो रही है अब इसको ध्यान से देखो साइन टी जीरो से में पॉजिटिव होता है एफ ऑलरेडी हमें पता है से वन में तो ये पॉजिटिव टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन भी, भी है, तो ये है जो पक्का है, ये एफ एक्स खुद जीरो से बड़ा है, ये भी है तो क्या पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिला के जीरो हो सकता है तो आंसर नहीं हो सकता तो इसलिए ये गलत हो गया ओके अब आते हैं यहाँ पे इसको देखो बी क्या है B में ये वेरिएबल टर्म है ना उसमें वो कांस्टेंट था इसमें ये वेरिएबल इसका ध्यान रखिएगा तो जैसे मान लो कि इस पूरे को मैं एक फंक्शन बोल देता हूँ जी एक्स करेक्ट तो जी एक्स पे बात करते हैं देखो जी एक्स क्या आएगा अगर आप कैलकुलेट करते हैं जी जीरो जी की वैल्यू निकालो जीरो पे सेकंड ऑप्शन चल रहा है भाई तो कितना आएगा देखो ई e की पावर जीरो हो गया वन माइनस और वन माइनस एक मिनट रुक ना इसको ऐसे नहीं करते चलिए बहुत सिंपल तरीके से दिखा देता हूं e पावर x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा है ना फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 राइट right? और इधर ये जो टर्म है 0 से x f t dt f t sin t dt देखिए sin t भी 1 से छोटा होता है 0 से x में है ना 1 या 1 से छोटा f t भी 1 या 1 से छोटा है राइट right? यानी ये दोनों टर्म जो है ना ये दोनों टर्म वन से छोटी होगी इनका प्रोडक्ट यानी इनका इंटीग्रेशन छोटा होना चाहिए जीरो से एक्स वन डॉट डी टी और ये कितना आएगा एक्स ये इंटीग्रेशन एक्स से छोटा है और यहां पे ध्यान दीजिए एक्स भी वन से छोटा है हम जीरो से वन इंटरवल की बात कर रहे हैं ओके ओपन इंटरवल में है तो कुल मिला के ये टर्म हर हाल में कैसी होगी लेस देन वन ये कैसी है लेस देन वन और ये टर्म कैसी होगी हमेशा ग्रेटर देन वन तो बताइए अब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या कभी जीरो आ पाएगा आंसर है कभी नहीं आएगा ये हमेशा इससे बड़ी ही होगी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो बी भी करेक्ट आंसर नहीं है सी पे आ जाते हैं सी ऑप्शन को देखिएगा तो मैं इसको भी ऐसा करता हूं कि जी एक्स मान लेता हूं करेक्ट अब चाहे बताओ जी जीरो क्या आएगा भाई जीरो पे अगर हम वैल्यू देखें तो इफ यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो बन गया ये हो गया माइनस जीरो से पावाई टू और जो भी ये लिखा हुआ है टू डी टी और देखिए ये पॉजिटिव टर्म है फंक्शन पॉजिटिव है इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा माइनस से मल्टीप्लाई हो फाइनली नेगेटिव आया सिमिलरली जी वन निकालोगे अगर वन पुट करो यहां आएगा वन माइनस जीरो से पावर टू माइनस वन और समथिंग डी टी ये जो भी समथिंग है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वन से छोटा ही है है ना तो जीरो से पावर टू माइनस टू माइनस वन खुद पॉइंट फाइव सेवन के अराउंड हो गया तो ये प्रोडक्ट जो है इसका इंटीग्रेशन जो है वो पक्का वन से छोटा ही आएगा जीरो पॉइंट फाइव सेवन से, से ही छोटा होगा बल्कि तो वन में से इसको सब्ट्रैक करेंगे तो पक्का अपने को पॉजिटिव टर्म मिलनी है तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस फंक्शन है जीरो पे नेगेटिव आ रहा है वन पे पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली बीच में जीरो जरूर होगा तो ये अपना करेक्ट आंसर है डी भी डी को भी इसी मेथड से चेक कर एफ तो पॉजिटिव वैल्यू देगा जीरो से वन में माइनस से गुणा किया हुआ उसको सिमिलरली जी वन निकालोगे तो आपके पास मिलेगा वन माइनस एफ वन अब एफ वन वन से तो छोटा ही है तो वन माइनस एफ वन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव तो ये भी अपोजिट साइन के साथ आ रहा है कंटिन्यूस फंक्शन है तो बीच में पक्का जीरो कुछ भी नीत में तो जी एक्स गिवन है G करना, तो सीधे सीधे आप इसको डिफरेंशियट कर लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशियट विद रेस्पेक्ट टू एक्स देखिए क्या आएगा जी डैश एक्स विल बिकम सबसे पहले होगा साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज टू टाइम कॉस टू एक्स करेक्ट और अब हम क्या करते हैं इस फंक्शन में टी की जगह साइन टू एक्स पुट कर देंगे लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैं यहां काम में ले रहा हूं सो दिस कैन बी रिटर्न साइन इनवर्स ऑफ साइन टू एक्स ओके फिर माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया है कॉस और यहां हो गया देखिए दोस्तों यहाँ पे आप साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल ना करें है ना जैसा जनरली बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं हम लोग उसके लिए पर्टिकुलर केसेस होते हैं उन केसेस में ही ये कैंसिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो यहां देखिए अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं सीधे सीधे जैसे मुझे जी डैश पाई बाई टू कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ मैं पुट करूंगा कॉस्ट पाई बनेगा कॉस्ट पाई विल बिकम माइनस वन तो माइनस टू यहां देखिए यहां बनेगा साँग पाई। साँग पाई होता है जीरो और साइन इनवर्स जीरो, जीरो।, so जीरो माइनस यहाँ पुट करोगे कॉस पावर टू जीरो तो कुल मिला के जीरो आ गया अगर आप यहाँ माइनस पावर टू भी लेते देखो तो भी क्या फर्क पड़ता यहाँ पे माइनस पाई बनता साइन माइनस पाई जीरो होता, तो ये जीरो हो जाती। पाई बाई टू भी जीरो होता, तो आपको जीरो मिलता तो प्लस पावर टू पे लो चाहे माइनस पावर टू पे लो आंसर आएगा जीरो एक भी ऑप्शन में देखिए जीरो आंसर नहीं है ये क्वेश्चन जो है ये बोनस हुआ था जेई में ओके okay. और इस वजह से हुआ था गलत आंसर आप ला सकते हैं ना साइन इनवर्स साइन को काट के और फिर आप ले आइए वो गलत होगा लेकिन आंसर करेक्ट आंसर जीरो ही है जो ऑप्शन में नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इफ द लाइन डिवाइड द रीजन ओके इन टू इक्वल पार्ट देन तो पहले तो इस रीजन को समझते हैं कौन सा रीजन है वाई इज इक्वल टू एक्स और वाईज इक्वल टू एक्स क्यूब के बीच का रीजन है बिटवीन एंड तो अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं आपको तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है जीरो और वन में ये तो है देखो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स ये पॉइंट वन वन मान ले हम तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे आता है ग्राफ इसके नीचे दिस इज वाईक्वल टू एक्स क्यूब अब ये कह रहे हैं कि X A, X A, ये वाली लाइन हो गई ये लाइन जो है दोस्तों ये इस एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है इधर वाला और ये वाला है ना तो ए के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया देखो ये जो एरिया है जिसको मैं ए लिख रहा हूँ ए ये किसके बराबर होना चाहिए एरिया ए ये हो गया जीरो से लेके ए तक यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए है किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपर करवल टू एक्स

माइनस वन बाई फोर तो इस एरिया का आधा है मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है तो कितना आ गया देखो ए का वैल्यू ये वाली डाल ही देते हैं ये अपने को गिवन था उससे कैलकुलेट किया हूं मैं ये कंडीशन तो मुझे वैल्यू ए स्कवायर बाई टू माइनस ए पावर फोर बाई फोर इधर ये हो गया वन बाई फोर और टू मिला केन बाई एट जिसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें लेट से मल्टीप्लाई कर दो सबको उधर ले चलो तो टू टाइम ए की पावर फोर माइनस फोर टाइम ए स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो मिला तो आई होप कि ये वाला आंसर अपना सही हो गया है okay, ओके अभी इन दोनों में से और डिसाइड करना का वैल्यू हाफ से छोटा है या बड़ा है तो उसको आप ऐसे कर सकते हो देखिए अगर मैं का वैल्यू हाफ ले लेता हूं यहाँ पे हाफ तक का एरिया कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा तो यहाँ का वैल्यू हाफ पुट कर दीजिए तो देखिए एरिया कितना आएगा एरिया की वैल्यू मैं देख रहा हूं जब का वैल्यू मैं हाफ लेता हूँ तो आपको मिलेगा वन बाई एट माइनस है ना हाफ पुट करेंगे तो सिक्सटीन और फोर वन बाय सिक्सटी फोर और ये हो गया दोस्तों सेवन बाई सिक्सटी फोर और ये वैल्यू देखो हाफ से छोटी है करेक्ट आपसे नहीं टोटल एरिया कितना आया था अपना जब अपन ने वन तक का एरिया लिया था उसका हाफ किया था तो आया था वन बाई एट तो उसको वन बाय एट से कंपेयर करो बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं ठीक है तो ये देखिए ये वन बाई एट से छोटी होगी क्योंकि हो गया बेसिकली इसका मतलब x इससे पहले ही रह जाएगा तो ये एरिया यहां से यहां तक का ये यहां से a तक के एरिया से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब a का वैल्यू हाफ से छोटी होनी चाहिए तो c अपना राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए एफ आर टू आर इज अंशियबल फंक्शन सच दैट दिस तो यहां से शुरू करते हैं फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये राइट तो मैं इसको ऐसे लिख लू एफ डैश एक्स माइनस टू एफ एक्स इज ग्रेटर यहां डिवाइड मत कीजिएगा एफ एक्स से क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि एफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इसलिए इन इक्विलिटी में उसको डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए मैं इसको इधर लेके आया हूं राइट और अब हम क्या करने वाले हैं इसको देखो e पावर माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह देख रहा हूं मैं इसको इसको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e e e तो उससे मल्टीप्लाई करके देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा मिला अगर आप इस टर्म को बड़े ध्यान पूर्वक देखें तो अब आप आगे की बात समझ जाएंगे ये जो टर्म है ये बेसिकली डिफरेंशिएशन हो गया है किसका e टू पावर माइनस टू एक्स इन टू एफ करेक्ट। तो हमें ये मिल गया कि इस टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन है इंटू एफ एक्स का सॉरी इसको करेक्ट कर लेते हैं हम एफ एक्स का सही है अब देखिए ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है ऐसा मेरे को मिल गया है ओके तो e मान लेता हूं तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि जी डैश एक्स जो है ना वो पॉजिटिव है इसका मतलब ये जी एक्स जो हो गया ये कैसा फंक्शन हो गया इज इंक्रीजिंग ये एक increasing function है और हमें जीरो पे value दी हुई है 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 और जीरो से infinity में मुझे चेक करना है, राइट? अब function है है। अब देखिए जो वो हम बात करेंगे के बारे में जब एक जीरो टू तो इंफिनिटी के लिए तो चूंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसलिए जी एक्स डेफिनेटली बड़ा होगा जी जीरो से करेक्ट और जी जीरो का वैल्यू कितना आएगा तो अगर आप यहाँ जी जीरो करना चाहें यहाँ पे तो ई पावर, पावर एक्स एक्स all, x x जीरो और इसको अगर हम दोनों साइड देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं ई पावर माइनस टू एक्स से तो मुझे मिलेगा ई पावर

ये बड़ा है टू टाइम एफ एक्स यहीं से शुरू करते हैं वापस ये अपने को गिवन है आगे हमने कैलकुलेट करने में पाया कि एफ एक्स खुद बड़ा ई पावर टू यानी ये जो टर्म है ये पक्का बड़ा होगा टू टाइम ई पावर टू एक्स और ये डेफिनेटली बड़ी होगी टू से इसलिए ये डेफिनेटली जीरो से तो बड़ी होगी होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी न, जीरो से इंफिनिटी में ई पावर टू एक्स का वैल्यू वन से इनफाइनाइट तक रहता है तो ये टोटल प्रोडक्ट टू से बड़ा होगा यानी कि एफ डैश पॉजिटिव है यानी कैसा हो राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए ये भी बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि आपको इस इंटीग्रेशन का सम कि एक सीरीज दी हुई इंटीग्रेशन की फॉर्म में वो कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट नहीं करनी है ध्यान दीजिए आपको कंपेयर करना लॉग 99 से और 49 नाइन बाई से चलिए देखिए कैसे शुरू करेंगे यहां पे देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है भाई के से के प्लस वन यानी जो अपना एक्स होगा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है एक्स वो के से के के बीच में वेरी करेगा ओके और के की वैल्यू आपको बता दू के की खुद की वैल्यू वन से लेके और कहां तक है 98 तक तो के का वैल्यू 98 तक है तो के प्लस वन हम बोल सकते हैं कि 99 तक जा सकता है या आप कह सकते हो 100 से छोटा होगा जो भी कहना चाहे राइट अब यहां से समझिएगा बात को पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस पार्ट से देखिए के छोटा है एक्स से तो आपको क्या लगता है के प्लस वन छोटा होगा एक्स प्लस वन से राइट और इससे मैं ये बोल सकता हूं देखिये कि के प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज लेस देन वन और दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर दें एक्स दे। एक अगर पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास एक्स की सारी यहां पे तो हमें क्या मिलेगा के प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एक रिजल्ट हमें ये मिला कि ये वैल्यू हमेशा वन बाई एक्स से छोटी होगी ओके अब ये वन बाय एक्स मैंने क्यों लिया यहाँ पे क्योंकि देखो यहां लॉग दिया हुआ है और लॉग जो है वो हमें वन डिफरेंशिएशन से, से मिलता है राइट ये हिंट है इसके पीछे कैसे सोचा हमने अब लेते हैं हम इस चीज को राइट यहां से मुझे मिलेगा कि जो k प्लस वन है अपना उसको अगर मैं x से डिवाइड करूं तो ये टर्म पक्का बड़ा होगा वन से ओके यानी कि k प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन टू वन बाई एक्स प्लस वन ओके अब देखो ये टर्म वन अपॉन एक्स प्लस वन से बड़ा है एक्स प्लस वन जो होगा यहां से देखिए एक्स प्लस वन वो छोटा होगा किससे के प्लस टू से एक्स प्लस वन इज लेस देन के प्लस टू यानी वन अपॉन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन वन अपॉन के प्लस टू सही है अब वन अपॉन के प्लस टू का देखो के प्लस वन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है हम एक साथ ले लेते हैं देखिए तो इन दोनों को मिला के अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि के प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन ये जो टर्म है ये किससे बड़ी होगी वन अपॉन हंड्रेड से तो बड़ा होगा और छोटा होगा से करेक्ट ये आ गई अब आप जानते हैं कि जिस ऑर्डर में फंक्शन है उसी ऑर्डर में इनके इंटीग्रेशन होंगे यानी अगर मैं के से के प्लस वन में इंटीग्रेट कर दू ऐसे तो ये इंटीग्रेशन का ऑर्डर भी यही होगा राइट right? तो देखिए क्या मिला आपने को ये जो फंक्शन है ये मिला इसको मैं टी के लिख दू दोबारा इतना सब लिखने से अच्छा है कि के की एक टर्म है और ये इधर कितना आएगा देखिए वन बाय हंड्रेड तो हो गया भाई कॉन्स्टेंट डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया उसमें लिमिट डालोगे के प्लस वन से के तक राइट right? तो के प्लस वन माइनस के करोगे तो फाइनली वन यानी वन बाय हंड्रेड ही आएगा इधर आ जाइए ये हो जाएगा लॉग एक्स यानी कि लॉग के प्लस वन माइनस लॉग के लॉग ऑफ के प्लस वन माइनस लॉग के ये मिला आपको अब अपने को जो कैलकुलेट करना था उस टर्म को ध्यान से देखिए ये इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं बस मुझे सिग्मा अप्लाई करना है के का वैल्यू वन से लेके नाइन्टी एट तक राइट तो चलिए अब हम इस पर सिग्मा अप्लाई कर देते हैं इसी पे सिग्मा के का वैल्यू वन से लेके नाइनटी एट तक सिग्मा के का वैल्यू वन से लेके नाइनटी एट तक और सिग्मा k का वैल्यू 1 से लेके 98 तक तो ये तो वो अपना इंटीग्रेशन हो गया आई जिसके बारे में पूछा जा रहा है इधर देखिए 1/100 है k का वैल्यू 1 से 98 तक है तो मतलब 1/100 को 98 टाइम ऐड करना है तो आपको मिला 98/100 कैंसिल आउट करेंगे जिसको तो अगर ये क्या बन जाएगा 49/50 तो आई पक्का बड़ा होगा 49/50 से इधर अगर आप इस सीरीज को देखें ये क्या बनेगी तो देखिए अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे वैल्यू वन तो आपको क्या मिलेगा लॉग टू माइनस लॉग वन करेक्ट पूरा लिखू मैं लॉग टू माइनस लॉग वन फिर प्लस नेक्स्ट टर्म बनेगी लॉग थ्री माइनस लॉग टू और ऐसे करते करते लास्ट टर्म आएगी लॉग नाइनटी नाइन माइनस लॉग नाइनटी एट और अब आप ध्यान दीजिए ये लॉक टू प्लस का माइनस के लॉक टू से कट जाएगा लॉक थ्री अगली टर्म में कटेगा कैंसिल होने के बाद फाइनली क्या बचेगा? नाग नाग लौक वन, लौक वन तो जीरो आई जो है वो लॉग नाइनटी नाइन से तो छोटा होगा और फोर्टी नाइन बाई फिफ्टी से बड़ा होगा तो सही आंसर कौन सा आई लेस देन लॉग नाइनटी नाइन एन आई ग्रेटर बाई फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज

और कॉटी कॉसेक्टी कॉशेक्ट माइनस uh, कॉट t कॉसेक्टी कॉसेक्टी का डिफरेंस यानी बेसिकली ये जो आपने को यहां गिवन है ये है डी dt डी ऑफ एफ टी, टी कॉसेक्टी साथ में डी डेट्स ऑल तो अगर आप इसको ये डिफरेंशिएशन है इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एफ टी कॉसेक्टी आपको मिलेगा लिमिट पुट कर दीजिए उसमें तो आपको मिलेगा f ऑफ π/2 एंड कॉसेक बाय टू माइनस एफ एक्स कॉसेक एक्स कॉसेक बाय टू वन होता है और एफ ऑफ पाई बाय टू गिवन है थ्री यानी आपको मिल गया जी एक्स इक्वल टू थ्री माइनस एफ एक्स एंड कॉसेक एक्स ठीक है चलिए एफ एक्स के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कॉसेक एक्स को मैं नीचे ले जाके ऐसे लिख लेता हूं साइन एक्स तो ये अपने को टर्म मिल गई है। अब जो कैलकुलेट करना है उस पर आता है लिमिट मुझे कैलकुलेट करनी है एक्स टेंस टू जीरो पे इस टर्म की ओके, तो लिमिट अप्लाई कर दो एक्स टेंस टू जीरो जी एक्स इज इक्वल टू तो ये थ्री रहेगा माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ जीरो का वैल्यू कितना गिवन है एफ जीरो का वैल्यू जीरो गिवन है इसका मतलब ये देखिए यहां पे ये जो है बेटा ये फॉर्म हो गई ओके okay? और मुझे वैल्यू एफ डे जीरो का भी गिवन है तो ये क्लियरली हिंट है कि यहाँ पे हमें लॉपिटल रूल यूज करना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल जिसे बोल सकते हैं तो ये होगा थ्री माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहां बनेगा एफ डेक्स नीचे बनेगा कॉस एक्स और अब अगर आप इसमें जीरो लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा एफ डे जीरो कॉस जीरो वन हो जाएगा और एफ डे जीरो का वैल्यू आपको गिवन था कितना वन तो ये हो गया थ्री माइनस वन यानी कि आपका आंसर हुआ भाई टू सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर है इसका टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं क्या है एफ फ्रॉम जीरोना पड़ेगा और एफ एक्स के लिए आपको एक तो यहीं से शुरू हो जाते हैं आइए देखिए गिवन इक्वेशन क्या है पहले इसको लिख लू मैं दट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर टी तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसमें से देखो इस इंटीग्रेशन में से ई e टू power एक्स को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि यहां इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ई पावर माइनस टी और एफ टी डी टी ये मैं यहां रहने देता हूं इक्वेशन नंबर वन ये गिवन है यहीं से शुरू करके मुझे एफ एक्स कैलकुलेट करना है पहले आइए शुरू कर देखिए इस इंटीग्रेशन के सिंबल को यहां से हटाने के लिए हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने को मिलेगा देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू वन का जीरो हो गया माइनस टू प्लस ई पावर एक्स तो ई पावर एक्स रहेगा ये टर्म एज इट इज तो यहां देखिए प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का और फिर प्लस अब की बार ई पावर एक्स एज इट इज और इस टर्म का डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x का तो वन हो गया यहाँ पे x पुट करेंगे तो e पावर माइनस एक्स और एफ एक्स पावर माइनस एक्सावर एक्स जाने अगली स्टेप में ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस और ये कितना हो गया देखिए प्लस एफ एक्स ये जो टर्म है ये टर्म देखिए यहां से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं अपन एफ एक्स की फॉर्म में यहां डाल देते हैं तो इसका वैल्यू आएगा एफ एक्स प्लस टू एक्स और माइनस वन सब कुछ मिला के आपको मिला एफ डैश एक्स और भाई प्लस एफ एक्स प्लस टू एफ एक्स टू टाइम एफ एक्स ओके और माइनस टू अच्छा अब ये भी है प्लस टू एक्स और माइनस थ्री ये टर्म आ गई ओके okay. अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है राइट right? इसको इधर ले आइए आप चाहे तो इसको dy/dx के पैटर्न में लिख लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है और इसको हम बाय ऑब्जर्वेशन सॉल्व करें देखो इसका IF क्या होगा इसको इधर लाएंगे तो minus -2 तो e power minus -2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसका एक बार देख लीजिए आप ढंग से पहले इसको और तो इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं -2 टाइम fx 2x 3 करेक्ट देखिए ये वाई डी एक्स माइनस टू वाई तो ये कैसी इक्वेशन हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम आई एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा माइनस टू का ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू फाइनल माइनस टू एक्स तो, e तो देखिए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दू पावर माइनस टू एक्स तो उससे हम थोड़ा क्विकली लिख पाएंगे ना क्या होना है या आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं ना ये सब क्यों कर रहे हैं हम ये, ये टू हो गई और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसका वो हो गया ई पावर माइनस इंटीग्रेशन विच इज फाइनली ई पावर माइनस टू एक्स तो सॉल्यूशन क्या से लिखते हम एफ एक्स मल्टीप्लाई विद ई पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई विद टू एक्स माइनस थ्री डीएक्स प्लस सी चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो देखते हैं यह टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है इसमें अब हम लगा लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसको मान लीजिए तो ये इस तरह से हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी ई पावर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू और फिर उसके बाद माइनस इसका हो जाएगा टू डिफरेंशिएशन और इधर ये आएगा टू टू कैंसिल हो गए माइनस माइनस प्लस हो गए तो बचेगा ये तो यानी वापस से ई पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू और प्लस सी तो ये मिला फाइनली अभी भी सी कैलकुलेट करना है मुझे तो देखिए पहले तो हम इसको एफ एक्स को लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर क्या आएगा तो एफ एक्स बराबर हो गया c into e की पावर 2x है ना e पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया सबको और ये e पावर 2x कैंसिल हो गए -2 यहाँ मिलेगा तो माइनस -x 3 2 माइनस हाफ तो प्लस +1 ओके okay, ये फंक्शन आया ओके okay, आगे बढ़े उससे पहले c की वैल्यू निकालनी होगी तो जल्दी से यहां आते हैं और देखते हैं कोई वैल्यू हमें गिवन है फंक्शन के बारे में ओके द फंक्शन का जो डोमेन है वो जीरो टू तो इंफिनिटी है एंड दिस विल बी अ फंक्शन सच दैट दिस तो देखिए वहां तो कुछ गिवन नहीं है ना इस इक्वेशन वन से ही हमें पता लगाना पड़ेगा कोई वैल्यू अगर हम फंक्शन की यहाँ पे देख सकें तो देखिए अगर मैं एफ ऑफ जीरो निकालना चाहूंगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो जीरो टू जीरो जीरो हो जाएगी वन बचेगा केवल तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू वन है इसको अब हम वहां पे यूज करके सी निकाल लेते हैं कितना होता है तो देखिए अगर हम यहाँ पे यूज करें ऑफ इक्वल टू देन का वैल्यू क्या आएगा देखिए तो 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 ये हो तो हो गया और अब आप बहुत आ गया से कट गए बचा लेके वापस चलते हैं क्वेश्चन पे और ऑप्शन टिक आउट करते हैं जल्दी से देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है फंक्शन क्या आया भाई एफ एक्स इक्वल टू 1 minus x, straight line है 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 ये 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 तो 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 करो का का नहीं आएगा पहला गलत तो हो तो 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 हो गया गया दूसरा बिल्कुल एक एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बायस वाईक्वल टू एफ एक्स चलिए जल्दी से पहले तो हम एरिया ड्रॉ कर लेते देखिये वाईल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये जो टर्म है वाई इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क् को रिप्रेजेंट करती है देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर और सामने वन माइनस एक्स स्क्सर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन और इसमें से पॉजिटिव वाई वाला पार्ट हमको रखना है तो ये सर्किल हो गया ऐसे ओके जीरो और ये वन इसकी रेडियस है और दूसरी तरफ ये जो अपना फंक्शन है वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ये स्ट्रेट लाइन हो गई ये ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई पासिंग थ्रू वन कोमा जीरो एंड जीरोन है ना वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स तो मुझे एरिया कौन सा पता करना है इस लाइन के ऊपर वाला और इस सर्किल के नीचे वाला एरिया मतलब ये एरिया अपने को पता करना है तो ये तो बड़ा आसान है देखिए ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है तो इसका एरिया हो गया पाई बाई फोर पाई आर स्कवायर बाई फोर है ना तो पाई बाई फोर हो गया रेडियस यहाँ वन है माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल तो ये वन वन इसका बेस है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस बी वन हाइट बी वन तो सो ऑप्शन इज करेक्ट आई थिंक दिस इज करेक्ट नाउ दिस इज पाई बाई फोर माइनस हाफ तो इसलिए फाइनली हम बोल सकते हैं कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आर बी एंड सी तो चलिए फिफ्टींथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये रहा फिफ्टींथ क्वेश्चन लेट एफ डिफाइन फ्रॉम एफ एंड जी दो फंक्शन आपको गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वैल्यू गिवन है ऑप्शन गिवन है स्टार्ट करते हैं राइट इस डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करूंगा इसको देखो इसको अगर हम ढंग से देखें तो ऐसा लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस इज ई पावर एफ एक्स अपॉन ओके एफ एक्स वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं ना ऐसा लिखते हैं ई पावर एफ एक्स इसके डिनोमिनेटर में आ गया सामने हो गया जी डैश एक्स अपॉन ई पावर जी एक्स तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की है चलिए आगे बढ़ते हैं क्या करो डिफरेंस इंटीग्रेट कर लो इसको इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स अपॉन ई पावर माइनस इंटीग्रेशन हो गया माइनस ई पावर इंटीग्रेशन क्या होगा आप जी एक्स को टी मान लो ये डी टी हो गया ऐसे ई पावर माइनस टी डी तो उसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ई पावर माइनस टी यानी कि जी एक्स जब सब माइनस में तो कॉन्स्टेंट भी चलो माइनस ही ले लेता हूँ तो यहां से आपको यह मिला कि C इज इक्वल टू e पावर माइनस एफ एक्स और माइनस e पावर माइनस जी एक्स यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन से यह एक रिलेशन हमको मिल गई कि यह डिफरेंस जो है इन दोनों टर्म का ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा इसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है एफ वन और जी टू का वैल्यू गिवन है वन तो देखिए इससे कोई बेनिफिट होता है तो एफ वन गिवन है तो इसमें क्या करो आप एक्स की जगह वन डाल दो एक बार एक बार एक्स की जगह टू डाल दो तो यहां से सी का वैल्यू आपको मिला ई टू द पावर माइनस एफ वन इसका वैल्यू वन है तो ई टू द पावर माइनस वन माइनस ई टू द पावर माइनस जी वन और इधर जब टू पुट करोगे तो सी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एफ टू माइनस ई टू द पावर जी टू जी टू भी वन है तो यह भी ई पावर माइनस वन हो गया ओके okay, तो ये भी कांस्टेंट सी का वैल्यू है वो भी कांस्टेंट सी का वैल्यू है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए यानी कि वन बाई माइनस ई टू द पावर माइनस जी वन बराबर हो गया ई टू द पावर माइनस एफ टू और माइनस वन बाई कुल मिला के आप फाइनली ऐसे लिख सकते हो ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ टू प्लस e टू द पावर माइनस g ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 बाय ये रिजल्ट हमको फाइनली यहां से मिल रहा है अब देखते हैं इससे हमें ऑप्शन जो चेक आउट करना है वो क्या है f2 को log 2 से कंपेयर करना है अच्छा देखो ध्यान दीजिएगा जरा ये 1 माइनस log e बेस 2 है ना इस टर्म को हम ऐसा नहीं लिख सकते कि log of e by 2 e by 2 यानी -2 by e

और अब अगर मैं रेसी प्रोकल कर लू तो e पावर एफ पक्का बड़ा होगा e बाई टू से सही है अब अगर हम लॉग हटा देते हैं तो f ऑफ टू पक्का बड़ा होगा लॉग e यानी कि वन माइनस लॉग टू से और ठीक इसी तरह से अगर आप e पावर माइनस जी की बात करें तो ये भी छोटा होगा टू बाई e से तो फाइनली आपको इधर भी मिल जाएगा कि जी वन बड़ा होगा वन माइनस लॉक टू से तो so, जीवन और एफ टू दोनों ही वन माइनस लॉक टू से बड़े होंगे और इस तरह का ऑप्शन है अपने पास देखते हैं जीवन बड़ा होगा वन माइनस लॉक टू से और एफ टू बड़ा होगा इससे तो आंसर सही है इसका बी और सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओके नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जीरो से पाई में ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ एक्स और ये लिमिट आपको गिवन है ओके okay, तो शुरू करते हैं देखिए

तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन और ऊपर का डिफरेंशिएशन होगा देखो एफ एक्स तो एज इट इज साइन t तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस एफ डे टी और साथ में साइन t मतलब साइन एफ डे टी और साइन x ऐसे रखना होगा देन आई पुट लिमिट t टेंस टू x उसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे इसमें टी टेंस टू एक्स एक बार चलिए मैं लिख ही देता हूं ऐसे लिमिट टी टेंस टू एक्स और सामने क्या है साइन स्क्वायर एक्स अब आप यहां ध्यान दीजिए कि अब अगर मैं टी की जगह एक्स रिप्लेस करता हूं इसमें तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो इसकी लिमिट सीधे-सीधे क्या बन जाएगी ये fx cos x f'x sin x ज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे एफ एक्स मिलेगा तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा इस डिनोमीटर में ले आते हैं इस टर्म को और अगर मैं ऐसे लिख दू एफ एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन तो ये जो देखो एल टर्म का अगर आप पहचान सकते हैं तो देखिए है इसका डिफरेंशिएशन करते ना तो क्या होता पहले एफडेक्स साइन एक्स आता फिर माइनस में ये टर्म आती उस माइनस को अपन एडजस्ट कर लेते हैं सामने की तरफ तो ऐसे लिख दें इसको और नाउ इंटीग्रेट अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड तो आपको एफ से मुक्ति मिलेगी और एफ एक्स मिलेगा एफ एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी ओके सी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कंडीशन गिवन है एफ ऑफ क्या बाई है एफ ऑफ पाई बाई सिक्स यूज एफ ऑफ पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व तो देखते हैं अगर आप पाई बाय पुट कर देंगे दोनों साइड माइनस पाई पाई बाय माइनस फाइव बाई स होकर सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा c 0, तो c का वैल्यू जीरो अगर हम डाल दे देखो और फिर अगर हम अपन एफ एक्स निकालते हैं तो कितना हो गया माइनस एक्स Sin x. और अब हम इसको यूज़ करके बचे हुए सारे ऑप्शन चेक वैल्यू पाई बाई फोर तो अब देखिए निकालोगे तो निगेटिव में आएगा तो ये तो होने से रहा तो फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना वो तो इनकरेक्ट हो गया है ओके बाकी ऑप्शन एक एक करके बी ऑप्शन को देखते हैं देखो इसको समझने के लिए आप क्या करो साइन एक्स को एक्सपेंड कर दो देखो अगर मैं साइन एक्स को एक्सपेंड करूं और फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूं साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव है ना एंड सो ऑन तो इसको अगर हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा देखिए ये ये यहां मल्टीप्लाई हुआ x पावर फोर बाई सिक्स ये दोनों माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद आएगा माइनस ऑफ मेनी टर्म्स यानी इस टर्म में से ये सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलता है एफ एक्स करेक्ट और तो जाहिर सी बात है ये जो एफ एक्स होगा ये इस टर्म से तो छोटा ही होना चाहिए और ये ऐसा ही गिवन है तो बी अपना एकदम करेक्ट आंसर है जिसको आप ऐसे इजीली चेक कर सकते हो ओके okay, अब आता हूं सी ऑप्शन पे देर एग्जिस्ट ए ओके क्या एफ डैश ए जीरो होगा तो आप अगर एफ डैश ए बराबर जीरो करें तो देखिए मिलेगा क्या आपको एफ डैश ए क्या होगा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स यानी कि साइन एक्स या साइन ए बोल दो और फिर माइनस ए एज इट इज और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस ए बराबर जीरो इसको आप ध्यान से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम टेन ए माइनस ए तो क्या जीरो से पाई में कोई ऐसा वैल्यू होता है जहां पे टेन ए का वैल्यू माइनस ए हो जाए इस चीज को बहुत ही आसानी से आप टेन एक्स के ग्राफ से इनसे देख सकते हो देखिए टेन एक्स का ग्राफ जीरो से पाई में ऐसा होता है कुछ जीरो से पाई बाय टू पाई बाय टू से पाई राइट और दूसरा वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे लाइन आएगी एक तो ये डेफिनेटली यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे सेकेंड पार्टन में कहीं ना कहीं तो इसका एक सोल्यूशन डेफिनेटली आएगा यानी कि ये भी सही है और रह गया ये f डबल डैश pi/2 f ऑफ pi/2 तो इसको भी कैलकुलेट कर लो वापस से देखते हैं अपन fx कहाँ है ये रहा minus -x sin x f'x ये बन जाएगा minus -sin x minus x cos x x पर लीजिएगा तो f डबल डैश x पे कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से क्या आएगा देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा minus cos x ओके फिर यहाँ x का करेंगे तो minus cos x बचेगा भाई तो 2 cos x और फिर और ये हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स तो ये बनेगा तो अगर आप पाई बाई टू की बात करते जीरो माइनस तो पाइवा टू एड करने पर जीरो राइट आंसर आर बी सी एंड डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सिक्सटीन के बाद क्वेश्चन नंबर सेवनटीन काफी बड़ा क्वेश्चन है तो चलिए साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं और नोट भी करते हैं फार्मर एफ वन हैज लैंड इन शेप ऑफ ए ट्राइंगल वर्टिसेस कौन कौन से वर्टिस हैं पी यानी कि जीरो जीरो ओके आफ्टर दैट क्यू वन वन तो ऐसा मान लेते हैं लेट दिस इज द पॉइंट क्यू वन वन एंड आर टू कॉमा जीरो इतनी दूरी इधर आगे ये आर ले लेते हैं टू कॉमा जीरो तो ऐसी बात है ये जो लाइन है ये वाई इक्वल टू एक्स हो गई और ये एक ट्राइंगल ऐसे बना रहे लैंड ऑफ राइट फ्रॉम दिसर एफ टू टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन द साइड टू एक्स पॉल एंड वाईज एन के जो भी ग्राफ होंगे वो ओरिजिन से और वन वन से पास होंगे और y इक्वल टू एक्स के नीचे की तरफ ऐसे होंगे तो तो ये है इक्वल तो एक्स पावर एन, तो ये है y n वो हो गई जो ने इससे ले ली है क्वेश्चन इज व्हाट इफ द एरिया इसको मैं ए बोल देता हूँ तो ये जो एरिया ए है अपना ये मुझे गिवन है एरिया ए इज 30% ऑफ तो यानी 30 by 100 बाई ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. डेल्टा पी ओके डेल्टा पी क्यू आर कितना हो गया देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो तो हाफ इंटू बेस टू है हाइट है तो हाफ इज इक्वल टू यानी कि कुल मिला थ्री बाई टेन हो गया ये ओके okay, अब एरिया ऑफ है ये एरिया कितना तो दैट्स वेरी सिंपल ये है जीरो से वन तक अपर कर्व यानी एक्स माइनस लोअर कर्व यानी एक्स पावर एन और डीएक्स अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आएगा वन बाई टू माइनस और एक्स पावर एन है ना तो वन अपॉन एन प्लस वन लिमिट पुट कर दी मैंने डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के साथ साथ और सामने हो गया थ्री बाई टेन तो कुल मिला के 1 n 1 बराबर हुआ इसको इधर उसको उधर ले आओ ये हो गया केन बाई फाइव तो दोस्तों एन का वैल्यू हो गया फोर सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर और ये बेहद ही आसान सा सवाल था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एटीन एक और बहुत ही सिंपल सा सवाल है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा भी होगा इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल आउट करते हैं तो देखिए जीरो टू हाफ और वन प्लस रूट थ्री को बाहर निकाल देता हूं कांस्टेंट की तरह अब यहाँ देखो खास बात क्या है ये जो डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर है ना दोनों की टोटल पावर का सम अगर आप करोगे तो टू मिलेगा आपको है ना इसकी पावर कितनी है टू पावर वन बाय फोर यानी कि वन बाय टू एक बार यहाँ देख लीजिए ना ऐसे लिख देते हैं एक्स प्लस वन की पावर है वन बाय टू और वन माइनस एक्स की पावर है सिक्स बाई फोर यानी कि थ्री बाय टू तो थ्री बाय टू और वन बाय टू मिला के कितना हो जाता है टू तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट टेक्निक क्या है देखो आई होप आप सबको पता होगी नहीं तो ध्यान दीजिएगा क्या टेक्निक है देखो क्या करना चाहिए किसी भी एक को पकड़ लेते हैं पहले x प्लस वन को ले लिया है ना तो क्या करो आप x प्लस वन की पावर कितनी है अपने पास वन बाई टू और ये दूसरा क्या वन माइनस एक्स आप ये वन माइनस एक्स इसके नीचे चुपका दो ऐसे यानी एक तरह से मैंने इसको वन माइनस एक्स की पावर हाफ से डिवाइड किया है तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहाँ पे तो जब उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बन जाएगा वन माइनस एक्स की पावर टू और अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन इस पैटर्न में आएगा अगर आप ये देखें कि एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स प्लस वन इसको अगर मैं इसको टी मानता हूं दोस्तों तो ये देखिए ये डी टी बाई डी एक्स यहाँ पड़ा है ही सही बस एक टू और चाहिए तो ये टू एडजस्ट कर दिया मैंने ऐसे तो अब एक तरह से क्या हो गया ये वन बाई टी पावर हाफ राइट डी तो उसको टी मान लो बस तुरंत तो ये आपका इंटीग्रेशन ऐसा हो गया की क्या तो t का वैल्यू क्या आएगा वन वेन्यूपुट x इक्वल टू हाफ यहां हाफ पुट करिए तो ये हो गया थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू यानी थ्री तो ये मिला वन बाय रूट टी तो इसका वन बाय रूट टी यानी टी पावर माइनस हाफ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसका इंटीग्रेशन होगा टू रूट टी तो ये टू से कैंसिल हो जाएगा t, और लिमिट है से three. तो आप ये लिमिट अगर यूज कर लेते हैं देखिए तो ये क्या बनेगा रूट थ्री माइनस वन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो दैट इज थ्री माइनस वन यानी कि टू सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू ओके टू इसका आंसर है तो ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था अब आता है क्वेश्चन नंबर पे अगेन एक और सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख दो डी वाई अपॉन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मा सीधे सीधे फाइव वाई स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर और इज इक्वल टू डी एक्स करेक्ट

अब पूछ क्या रहा है लिमिट निकालनी है मुझे fx की यानी वाई की वैल्यू या वाई के लिमिट निकालनी है व्हेन एक्स टेंस टू माइनस इनफिनिटी तो देखिए इफ आई पुट एक्स टेंस टू माइनस इनफिनिटी इस टर्म को थोड़ा सा एक बार यहां देखिएगा मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 5y 2 5y 2 मोड इज इक्वल टू इक्वल टू e टू द पावर 20x ओके okay? तो infinity, तो इफ़ आई पुट एक्स टू माइनस ये क्या बन जाएगा e e zero, so और ये जीरो बनेगा? से अगर कंपेयर करें जब वाई का वैल्यू हो टू बाई फाइव तो इसलिए तो ये जे एडवांस टू थाउजेंड एटीन में था और डेसीमल में आंसर वहां अलाउड थे तो इसका आंसर है जीरो पॉइंट फोर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है देखिए लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी एबल फंक्शन विद एफ ऑफ जीरो गिवन है और ये एक अपने को इक्वेशन गिवन है ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर आता है देखिए

एफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो ऐसे बन गया लेकिन अब यहीं पे मुझे देखो जरूरत भी महसूस हो रही है कि एफ डैश जीरो भी पता हो तो ज्यादा ठीक रहे तो इस इक्वेशन को फिर से देखिएगा और इस इक्वेशन में x और y दोनों को जीरो पुट कर देते हैं आपकी बार तो आपको यहां मिलेगा एफ ऑफ जीरो विच इज वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो वन इंटू एफ डैश जीरो प्लस वन इंटू एफ डैश जीरो का वैल्यू भी अपने को मिल गया हाफ तो वो यहाँ पुट कर देते हैं देखिए तो ये हो गया ऑफ तो तो इधर ले जाओ कैंसिल तो आउट हो गए फाइनली आपको ऐसे मिलेगा और ये बहुत ही सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है वेरिएबल सेपरेशन वाला अप्रोच हम यहाँ पे काम में ले लेते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू हाफ नाउ इंटीग्रेट अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा इंटीग्रेट करने पे ऑफ सी को भी चलिए हम लॉग सी ही ले लें तो इस तरह से या चलिए अपने को तो लॉग एफ ऑफ फोर निकालना है एफ एक्स निकालने की क्या जरूरत है तो इसको सी ही रहने दीजिए और ये अपने को मिल गया अब यहां मैं इस चीज को यूज कर लेता हूं कि जीरो प्लस सी सो दैट देस सी इज जीरो कुल मिला के ये भी कहानी खत्म हो गई सी बचा नहीं ये बच गया अगर आप लॉग ऑफ एफ ऑफ फोर निकालेंगे तो वो कितना आएगा फोर बाई टू यानी कि टू तो दोस्तों आपका आंसर है इस क्वेश्चन का टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एरिया ऑफ़ रीज़न बाउंडेड बाय एंड इस तरह से इसका कर्व हो गया एक्सवाई इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप तो आपको एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एट चाहिए यानी कि इस हाइपरबोला के इन दोनों ब्रांचेस के बीच वाला पार्ट राइट Origin से आप चेक कर सकते हो सेटिस्फाई करने वाला पार्ट कौन सा होगा इन को दूसरा देखो वाई वन से बड़ा होना चाहिए तो लेट दिस वाई का वैल्यू वन है तो ये पॉइंट क्या गया अगर हम इसके कॉर्डिनेट निकालेंट है तो वाई का वैल्यू अगर वन पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा एट सो दिस इज एट कॉमन वन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला आएगा यू राइट right? और ये वन वन से पास हो रहा है यहाँ पे तो so, इससे बहुत पहले ही वन हो जाएगा ये सो ये so, y इज इक्वल टू एक्स स्क् वाई एक्स स्क्वायर से छोटा होना चाहिए यानी कि इसके नीचे वाला पार्ट इस पैराबोला के नीचे वाला पार्ट तो कॉमन पोर्शन देखो कौन सा इसके नीचे हो इसके नीचे हो और इस लाइन के ऊपर हो पोर्शन अपना कॉमन है अब यहां देखिए थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो जेई वालों से यहां इस तरह से हो गई है कि ये जो पोर्शन है देखिए ये वाला पोर्शन ये पोर्शन भी कॉमन पोर्शन है और ये जो रीजन है ये इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है ओके तो कायदे से तो बोनस ही जाना चाहिए था क्वेश्चन क्योंकि इस ये जो एरिया है ये इनफाइनाइट आना चाहिए बट बोनस किया नहीं उन्होंने

देखिए ये कौन सा कर्व है भाई ये है एक्स बराबर एट बाई वाई तो एट बाई वाई राइट साइड का कर्व माइनस लेफ्ट साइड के कर्व से करस का वैल्यू माइनस रूट वाई और वाई के रिस्पेक्ट में ही डी वाई वाई की लिमिट कहां से कहां तक चेंज हुई यहां पे मिनिमम वाई की वैल्यू वन है मैक्सिमम वन से फोर तक तो ये है वो एरिया अगर कैलकुलेट करें तो देखो कितना आएगा एट बाई वाई का इंटीग्रेशन हो गया एट लॉग वाई और उसमें फोर और वन डालोगे तो 8 log 4, 8 log 4 को आप 16 log 2 भी लिख सकते हैं और रूट वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री और वाई पावर थ्री बाई टू तो टू बाई थ्री अपनी जगह है ही और वाई पावर थ्री बाई टू में फोर पुट करोगे वाई पावर थ्री बाई टू तो एट माइनस वन यानी सेवन तो ये हो गया थ्री राइट आंसर जो है वो है वो थर्ड तो कायदे से तो बोनस होना चाहिए था बट थर्ड थोड़ा साईक्वल टू वाई एक्स विच इज इन फर्स्ट क्वारंट एंड लेट द पॉइंट वन कोमा जीरो लाइज ऑन इट देखिए इसको पूरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है लाइन मैं इसका डायग्राम बना देता हूं पहले ना ताकि हमें क्वेश्चन समझने में आसानी हो एक कर्व है जो टोटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड लेट द पॉइंट वन कॉमा जीरो लाइज ऑन इट तो ये कर्व मैंने मान लिया ऐसे और वन कॉमा जीरो यानी एक्स एक्सिस को काटता है ऐसे मान लो वन पे लाइज ऑन इट लेट द टेंजेंट ऑफ गामा एट अ पॉइंट पी इस कर्व की जिससे कोई जनरल पॉइंट अगर हम ले पी एक्स इस पॉइंट पे जो इसकी टेंजेंट है ऐसे ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काटती है पे हैज लेंथ फॉर ईच अच्छा ये कह कि कहीं भी ले लो ये लेंथ जो है यहां से यहां तक ये पीवाई लेंथ जो है ये वन आएगी तो बताओ कि इक्वेशन ओके कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और फिर कर्व की इक्वेशन बतानी है ये क्वेश्चन है चलिए शुरू करते हैं देखिए पॉइंट एक्स कोमा वाई पे टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट एट पी एक्स कॉमा वाई इज ये स्मॉल एक्स वाई है कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके दैट इज इस, वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इन एक्स माइनस स्मॉल एक्स यहाँ कैपिटल एक्स वाई और स्मॉल एक्स वाई का डिफरेंस समझिएगा स्मॉल एक्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल अब अगर हम इस पॉइंट वाईपी के कोऑर्डिनेट निकाले वाई पी वो पॉइंट है जहां पर ये लाइन एक्सिस को मिलती है यानी पे x का वैल्यू हो जाता है तो इस एक्स का वैल्यू अगर आप जीरो पुट कर देंगे यहां पे, तो वाई का वैल्यू यहां से क्या आएगा देखो ये जीरो वाई का वैल्यू मिलेगा वाई माइनस एक्स स्मोल एक्स और डीवाई वाई डी एक्स ये वाई पी है दूसरी तरफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है अब मैं इसको यूज कर लेता हूं पी वाईक्वल टू वन

अपॉन एक्सर रूट और प्लस माइनस ये दो चीजें यहां से मिल रही है तो देखिये दो बातें कौन कौन सी है अगर मैं डीवाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिखूं तो हम इसको लिख सकते हैं वाई डैश इन टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो या तो ये होगा या फिर या फिर क्या होगा इन दोनों में से एक मुझे लेना होगा और आप पाएंगे कि ये दोनों ही अपने ऑप्शन में देखिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ये दोनों ये दोनों में से कौन सा सही होगा ये चूज करना पड़ेगा तो चलिए उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है ये वाली करेक्ट तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम ऐसा लिख लिया डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस बने रहने दीजिए अभी प्लस माइनस लास्ट में डिसाइड हो जाएगा क्या रखना है देखिए बातों की बातों में ध्यान नहीं रहा और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेक्ट अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये डीएक्स यहां से कैंसिल हो जाएगा इधर डीएक्स और ये इसका इंटीग्रेशन ये तो वाई हो गया एज यू यू ऑल नो एक कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं हम इसमें सी अपनी तरफ से बराबर में प्लस और माइनस इधर देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो लेट वी पुट वन माइनस एक्स स्क्वल तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्स स्क्वल टू वन माइनस टी स्क्ट करेंगे हम कैंसिल आउट हो जाएगा ओके तो ऐसा पुट कर देते हैं तो ऐसे में क्या बनेगा देखिए यहां पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी तो एक्स होगा तो एक एक्स हम यहां लगा देते हैं और यहां एक्स कर देते हैं और अब देखिए क्या बन गया ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा आप यहां पुट करोगे तो टी एक्स डी एक्स क्या बन गया माइनस टी डी टी ये जो माइनस आया इसको मैं अभी यहीं रखता हूं माइनस टी और डी टी और नीचे यहां कितना हो गया एक्स स्क्वायर विच इज वन माइनस टी स्क्वायर करेक्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखिए इज इक्वल टू प्लस माइनस ठीक है इस प्लस माइनस को नहीं छेड़ रहे हैं ना अपन और ये माइनस टी स्क् वन एड कर देते हैं वन सब्रैक्ट कर लेते हैं तो can be written one, और जो वन सब्रैक्ट किया माइनस वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी तो फाइनली इट विल बिकम प्लस माइनस वन का इंटीग्रेशन होगा टी और वापस से मैं वैल्यू डाल दूंगा तो अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई लॉग ऑफ ये हो जाएगा अगर इस माइनस को कंज्यूम कर लेते हैं तो प्लस वन बाय टू ए और लॉग ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन मोड के साथ ये हो गया और यहां पे देखिए मैं टी की वैल्यू रख रहा था वापस मैंने यहां तो रख दी थी एक्स स्क्वायर वहां अभी नहीं रखी तो नेक्स्ट स्टेप में रख लेते हैं तो इस तरह से अभी एक चीज और हम यूज कर लेते हैं कि हमें ये भी तो गिवन है कि ये कहां से गुजरता है वन कॉमा जीरो से तो उससे देखिए हम सी का वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं प्लस माइनस के साथ आपको मिला अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अब इसको पलट के लिखना चाहे तो माइनस भी हो जाएगा एक बार देखते हैं ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ है दोनों को सेम साइन में अपोजिट साइन में अपोजिट साइन में वे दोनों ऑप्शन में है ना तो मैं इसको पलट के ही लिख रहा हूं और इसको लिख देते हैं माइनस वन बाय टू लॉग ऑफ टी ऊपर ले लेते हैं तो ऊपर आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स इस टर्म को मुझे लगता है थोड़ा और हमें सॉल्व करना चाहिए और कैसे देखते रहिएगा माइनस हाफ इसको ना रेस कर लेते हैं तो नीचे जब रेसलाइज करेंगे मतलब इसको अंडर रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते होगी तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा राइट तो वन कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे नीचे लॉग मॉड लगा हुआ है तो परेशानी नहीं लेनी है एक्स स्क्वायर बचेगा और ऊपर इसका स्क्वायर हो गया तो कुल मिला के वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होली स्क्वायर उस स्क्वायर को बाहर लाके इस हाफ को आप कैंसिल आउट कर सकते हो तो कुल मिला के ये बच गया ये है y C के बराबर अब आप इसको पास करा दो जीरो तो इससे आपको मिलेगा दोस्तों सी का वैल्यू जीरो ओके और अब दो बातें देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स एक तो ये और एक हो जाएगी इसी का नेगेटिव साइन तो अलग से लिखने की जरूरत चलो है नहीं पर मैं लिख देता हूं ना अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो गया और प्लस का हो जाएगा लॉग ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स वन अपॉन एक्स अब आपको ये करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा और वो कैसे हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में टर्म गिवन थी वो टर्म ये थी कि ये जो फंक्शन है दैट लाइज इन फर्स्ट फंक्शन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फंक्शन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अब दूसरी बात देखिए अगर आप देखिए तो अंडर रूट वन माइनस एक्स है इसका मतलब एक्स का वैल्यू वन से छोटा लेना चाहिए हमको अगर मैं एक्स को जीरो और वन के बीच में रख के देखता हूं तो आप जीरो और वन के बीच में कोई भी नंबर लेके यहां पुट करिए और उस पर वाई की वैल्यू निकाल के देखिए जो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा वही सही है वही ऑप्शन हम लोग यहाँ पे लेंगे ओके तो देखिए अगर हम x का कोई भी वैल्यू जो हम इजीली कैलकुलेट कर सके वो यहां पुट करके देख लेते हैं तो क्या लें लेट वी पुट एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर रूट थ्री बाई टू ले रूट थ्री बाई टू लेते हैं तो देखिए ये टर्म क्या बनेगी एक को कैलकुलेट कर लो अगर यहां से सही नहीं आए तो वो सही हो जाएगा तो यहां पे डालोगे तो ये कितना हो जाएगा वन बाई टू सही है माइनस लॉग ऑफ यहां पुट करिए वन बाय टू प्लस वन यानी कि वन बाय टू प्लस वन थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाई टू तो कैंसिल हो क्या है रूट थ्री तो लॉग ऑफ रूट थ्री और हाफ दोनों में से कौन बड़ा है यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा देखिए तो देखिए लॉग बेस ई में लॉग का वैल्यू हाफ कब आएगा यहाँ थोड़ा सा हम साइड में चलते हैं देखिए लॉग एल एन एक्स का वैल्यू हाफ कब होता है भाई जब यहाँ पे आप क्या लेंगे रूट ई e. तो आप कंपेयर करो रूट ई e को रूट थ्री से तो बहुत इजीली देख सकते हो रूट थ्री बड़ा होता है रूटी से है ना यानी ये वैल्यू हाफ से बड़ी है तो ये टर्म कैसी हो गई निगेटिव। तो ये निगेटिव दे रहा है इसका मतलब ये इनकरेक्ट है तो ये ही अपना करेक्ट आंसर होगा और इससे अब हमें ये ये पता लग गया देखिए यहां मैंने दो इक्वेशन लिखी थी प्लस और माइनस वाली अलग करके ये वाला ऑप्शन आया जब हमने यहां माइनस लिया है तो इसलिए ये करेक्ट है ये गलत है और अब वापस आते हैं क्वेश्चंस पे कौन सा ऑप्शन सही है तो लॉग वाली टर्म प्लस में लेनी है अपने को यानी ये करेक्ट और ये वाला ऑप्शन जो है वो ये रहा सो फर्स्ट एंड फोर्थ इसके सही आंसर है देखो ये तो हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें जब एडवांस में में आप ऐसे भी कर सकते थे कि बहुत सिंपल सी बात है इन दोनों में से एक सही होना और इन दोनों में से एक सही होना है और इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन ये है और इसका इंटीग्रेशन ये है इंटीग्रेशन पसंद नहीं आप किसी भी एक को डिफरेंशिएट करके देख लेते तो समझ जाते भाई इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस का फर्क है इसका ये वाला आ जाएगा ओके पता लग गया अब बस सीधे ऑप्शन में चेक कर लो इन दोनों ऑप्शन में वैल्यू पुट करो एक्स का वैल्यू आ, वन बाय टू या रूट थ्री बाय टू और देखो कि किससे आपको वाई पॉजिटिव मिल रहा फर्स्ट पॉडेंट का पता लग जाते ही साफ क्लियर हो जाता है कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है और उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है तो बिना कंप्लीट सॉल्व किए भी इसको टिक आउट किया जा सकता था बट जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से होगा ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं 23 थ्री फॉर ए बिलोंग्स टू दिस दिस लेट लिमिट ओके ये लिमिट देखिए इस पैटर्न को देखते याद आ जाता है फिर से वही आ, कि सिग्मा वन बाई एन और ऑफ वैल्यू वन से वैल्यून हो और साथ में लिमिट लगी हुई हो एन टेंस टू तो इनफाइनाइट देन इनफाइनावल टू तो जीरो टू तो वन एफ एक्स डी एक्स और एफ टी डी करेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे और बहुत आसानी से हो जाएगा देखिए कैसे कि लिमिट एन टेंस टू ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ऊपर की हर एक टर्म को क्यूब रूट ऑफ एन से डिवाइड कर दोन तो से एन तक हमने एन पावर वन बाई थ्री से डिवाइड किया है ऊपर नीचे भी एन पावर वन बाई थ्री से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ एन की पावर वन बाई थ्री से डिवाइड करोगे तो एन स्क्वायर बचेगा ओके यहां आ जाते हैं इस टर्म को भी बड़े ध्यान से देखिए इसमें से भी एन कॉमन ले लीजिए सब टर्म में से तो वो एन स्क्वायर इसको काट देगा और आपके पास ऐसे बचेगा सिग्मा आर का वैल्यू वन से लेके एन तक और वन अपॉन ए प्लस आर बाई एन का स्क्वायर ओके एक एक वन बाई एन दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो ऐसे नाउ यूजिंग दिस फार्मूला दिस कैन बी रिटर्न इंटीग्रेशन पहले तो देख लेते हैं ये कितना गिवन है मुझे 54 गिवन है है ना नेक्स्ट हम पे आते हैं अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेता हूँ और लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 0 से 1 और x पावर 1/3 dx ऐसे नीचे बन जाएगा 0 से 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन a x स्क्वायर dx व्हिच इज इक्वल टू 54 अब आप इसको बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहां से अपन एक वैल्यू निकाल सकते हैं आगे चलते रहे पावर वन बाई थ्री तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया पावर तो मिला के आपके पास डिवीजन में आ जाओ वन अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए प्लस एक्स ओके और सामने कितना हो गया अच्छा इसमें लिमिट डालेंगे हम वन और जीरो तो ये पूरा कर कंप्लीट ही कर देता हूँ मैं इसको ये बनेगा ए प्लस वन माइनस वन बाई ए और सामने है आपके पास 54, तो चलिए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं एगा वैल्यू क्या आता है तो आइए देखिए क्या बनता है ये टर्म हो गया ए ए प्लस वन ए माइनस ए प्लस वन दट इज माइनस वन अपॉन दिस तो ये प्लस का हो गया और ऊपर आ गया तो ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू इ अब इसको कैलकुलेट कर लो ये हो गया एटीन इंटू फोर सेवनटी टू तो यहां देखिए ये ए इंटू ए प्लस वन है सामने है, 72, तो ऑब्वियसली बात है एट है ना एट इंटू नाइन हो जाता है तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों 8 इन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज आर ओके क्वाड्रेटिक के देखो एक और आंसर पॉसिबल होगा तो चलो या तो सिंपलीफाई कर लो एक आंसर तो 8 हो गया एक नेगेटिव वैल्यू और हम देख सकते हैं क्या होगी तो ए और ए प्लस वन का वैल्यू एट और नाइन लिया मैंने नेगेटिव तो साइड में ए प्लस को माइनस ले लूंगा मैं तो कितना हो जाएगा ए का वैल्यू 7 अगर हम लेते माइनस सेवन और नहीं नाइन माइनस नाइन और ए प्लस वन हो जाएगा माइनस एट तो फिर से 72 आ जाएंगे तो है माइनस नाइन भी ऑप्शन में बिल्कुल है तो तो ये रहे देखो तो दोनों ऑप्शन सही है एट और माइनस नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चलिए ट्वेंटी फोर पे आते हैं ये रेगुलर इंटीग्रेशन है जैसे जनरली आते हैं आई होप पहला क्वेश्चन भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट था आज तो इसको वैसे ही करेंगे हम टू बाई पाई हो गया ये और ये हो गया जीरो से फाइव बाई फोर द फंक्शन इट सेल्फ वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स और टू माइनस कॉस टू एक्स राइट और फिर इसमें क्या करेंगे हम एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके तो वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स इंटू टू माइनस कॉस टू एक्स कॉस में फर्क नहीं पड़ेगा माइनस एक्स लिखने से और अब इन दोनों को ऐड कर लो तो टू अपॉन पाई जीरो टू पाई बाई फोर ये बनेगा डी एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको बदल लेंगे कुछ इस तरह से देखो जीरो टू पाई बाई फोर है ही कॉस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अगर आप इसको टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दें तो ये बन जाएगा थ्री माइनस टू टाइम कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स आई होप समझ में आ रहा होगा आपको और अब ये भी पता है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें ऊपर नीचे इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तो टू बाई पाई है ये साथ में जीरो से पावे फोर और ये बन जाएगा देखो थ्री सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू आएगा नीचे और सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन तो आपको मिलेगा थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन ओके ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स करेक्ट और लिमिट है जीरो से फाइव बाई फोर आई होप आगे आप सबको समझ में आ रहा होगा आगे मुझे क्या करना अब मैं रूट थ्री टेन एक्स को टी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए राइट लेट वी टेक रूट थ्री टेन एक्स एस टी तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस वन सेक्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी अपॉन रूट थ्री ओके लिमिट हो जाएगी जीरो से रूट थ्री और इसका इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं कि कितना होता है टेन इनवर्स टी जीरो से रूट थ्री तो जीरो पुट करने पे जीरो हो जाएगा रूट थ्री पुट करोगे टेन इनवर्स रूट थ्री कितना होता है भाई टू पाई बाई रूट थ्री इंटू टेन इनवर्स रूट थ्री हो गया pi, 10 inverse root 3, pi by 3. तो कुल मिला के बतानी है टू अपॉन ट्वेंटी सेवन आई स्क्र और टू अपॉन देखिएगा ट्वेंटी सेवन इंटू टू अपॉन थ्री रूट थ्री ओके इसका स्क्वायर करोगे ये कैंसिल आउट हो गया आंसर आएगा फोर सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर और ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था जिस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास में कराए जाते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 25 फाइव पे आते हैं लास्ट क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन भी बेहद सिंपल सा है देखिए I इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू में आपको ये टर्म इंटीग्रेट करनी है आप यहाँ से रूट थीटा कॉमन ले लीजिए तो नीचे बनेगा वन प्लस अंडर थीटा पावर फाइव रूट कॉस्ट थीटा बाहर आएगा तो रूट की पावर फाइव है एक कैंसिल आउट हो जाएगी तो नीचे बचेगा रूट की पावर फोर यानी कॉस स्क्टा जिसको ऊपर ले जाके आप लिख सकते हो sec square theta d theta. इस को अपन बाहर ले, ले लेते हैं अब आ जाइए इधर मान लेते हैं कि वन प्लस अंडर रूट टेन थीटा जो है दोस्तों वो क्या है टी है तो अगर ये टी है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई टेन थीटा की वैल्यू हो गई टी माइनस वन का स्क्वायर और अब इसको डिफ्रेंशियट करें तो सेक थीटा थीटा बराबर हो गया टू टाइम टी माइनस वन डी ये दोनों और डिवीजन में आ गया है टी पावर फाइव लिमिट हो जाएगी देखिए टी का वैल्यू जीरो पुट करोगे थीटा की वैल्यू जीरो पुट करोगे सॉरी टी का वैल्यू वन आएगा थीटा की वैल्यू पाई बाय वै टू लोगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा ऐसे ओके आगे चलते हैं ये सिक्स को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन और देखिए टी 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 पावर पावर यानी तो उसका इंटीग्रेशन हो गया वन अपॉन फोर और टी पावर सॉरी टी पावर माइनस फोर था तो कितना हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन थ्री और टी क्यूब और ऐसे ही माइनस वन अपॉन टी पावर फाइव का करोगे तो टी पावर माइनस फाइव तो पावर तो हो जाएगी उसकी वन अपॉन टी पावर फोर और साथ में माइनस का फोर तो ये इस तरह से हो गया लिमिट हो गई वन से इंफिनिटी और सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ इंटीग्रेशन का यहाँ पे लिमिट पुट कर दो तो जब इन्फिनिटी डालोगे तो दोनों टर्म जीरो बनेगी सब करो वन डालोगे तो माइनस का वन बाय प्लस का वन बाई तो ये हो गया माइनस वन बाय ट्वेल्व प्लस इंटू सिक्स कि जीरो पॉइंट फाइव सो जीरो पॉइंट फाइव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो ये थे इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जेई में आए हैं नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टिल देन गुड बाय